हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, बोर्ड में एक नहीं दो टॉपिक पढ़ेंगे हम। पहला पढ़ेंगे टॉर्क, दैट इज टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। और ये जो दोनों टॉपिक हैं बोर्ड में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ जाते हैं, पर इनमें से बड़ा आसान टॉपिक है वैसे, और पर इनमें जेई मेन में क्वेश्चंस या नीट में क्वेश्चंस बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आते हैं, आसान क्वेश्चंस आते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां पर आसान क्वेश्चंस बनते हैं, सो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो सबसे पहले टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पढ़ने से पहले हम इस टॉर्क को समझते हैं जो इसमें यूज होगी। ऑल्दो आपने प्लस वन में टॉर्क पढ़ा है, बट थोड़ा सा ध्यान रखें, हम निकालने वाले हैं टॉर्क ड्यू टू कपल। कपल, व्हाट इज कपल? कपल मींस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, करेक्ट। ये जो फोर्स है, ये फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो है उनको हम कपल बोलते हैं। देखा जाए तो नेट फोर्स अगर इस केस में कहेंगे तो जीरो होगी, है ना। सो इन दिस केस अगर मैं इसमें कपल के केस में नेट फोर्स ऑन बॉडी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अब मान लो, सपोज करो यही पेन लेते हैं, एक फोर्स यहां से लग रही है, एक फोर्स यहां से लग रही है, तो ये घूमेगा ना, ये ऐसे ऐसे करके घूमेगा। नॉर्मली तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, बट सपोज करो मैं किसी भी पॉइंट पर ले लूं, यहां से कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं रोड का, सपोज ये वाला पॉइंट जो डिस्टेंस डी वन और डी टू, कि मैं मान लेता हूं चलो इस पॉइंट पर देखते हैं टॉर्क कैलकुलेट करके, ये बॉडी घूम रही है पर मैं इस पॉइंट पर निकालना चाहता हूं कि टॉर्क कितनी है इन दोनों फोर्सेस की वजह से। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये वाली फोर्स इसको कहां घुमाएगी, इस रॉड को किस डायरेक्शन में घुमाएगी, इधर नीचे को, कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये देखो क्लॉकवाइज। और ये वाली फोर्स कहां को घुमाएगी, ये भी इधर को ही घुमाएगी। देखो इसको अगर मैं पकड़ लूं और यहां से फोर्स लगाएंगे तो ये भी इसको यहीं को घुमाएगी, यानी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में घुमा रही है। तो इट मींस ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दोनों क्या होंगे हमारी, एफ इंटू डी वन प्लस एफ इंटू डी टू। अगर अपोजिट डायरेक्शन में घुमाती तब माइनस करते, तो दिस इज योर नेट टॉर्क। सो टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी वन प्लस डी टू, विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी। सो यहां से ये जो फॉर्मूला आ गया हमारा, अब इसको आगे याद रखना है आपने, क्या कि टॉर्क किसके इक्वल है, टॉर्क ड्यू टू कपल किसके इक्वल है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो ये डिस्टेंस दोनों में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो टॉर्क ड्यू टू कपल इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बात याद रखनी है हमेशा। नाउ अब अगर हम देखें, सपोज करो फोर्स, ये तो सिंपल वाली मैंने ली थी, सपोज करो फोर्स इस तरह से है, एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है, और ये इस तरह से दिया हुआ है। ये अब क्या करें, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा तुम्हें इन दोनों फोर्सेस के बीच में, तो तुम क्या करो, इसको प्रोड्यूस कर दो, ऐसे डॉटेड दोनों को प्रोड्यूस कर दो। तो अगर अब ये इसको मैं प्रोड्यूस करूंगा तो ये आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज डी, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ अगर मान लो मैं इस केस में लू ये वाला, अब इस केस में फोर्स में मैं क्या करूंगा, इसको प्रोड्यूस कर दो ऐसे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, ये। अच्छा ये इसको करना चाहो इसको कर दो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है, ये भी हो सकता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट, दिस इज टी। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दैट केस सपोज करो आपको एंगल दिया जाए, सपोज ये लेंथ 2L है, मैं ये क्वेश्चन में यूज करूंगा याद रखना अब आगे, सपोज करो ये 2L है, ये थीटा है और ये डी है, और मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट आई विल से, साइन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन 2L, या d इज इक्वल टू 2l sin थीटा आ जाएगा हमारा, समझ आया है सबको। अब हम इसको यूज करेंगे अगले पार्ट में, ओके। अब मैं मेन क्वेश्चन पर आ जाता हूं। सो स्टूडेंट्स अगर आप देखो इस केस में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये डायपोल है जो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड हर जगह बराबर हो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। अब सबसे पहले फोर्स देखते हैं, यहां पर फोर्स कितनी लगेगी, इस जगह ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को ही है, तो फोर्स इधर को ही लगेगी, कितनी, क्यू ई,
ये नेगेटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है तो फोर्स कहां को लगेगी, अपोजिट QE, राइट या माइनस QE लिख लेना कहीं तुम सोचो, पर मैंने डायरेक्शन ले लिया तो इसलिए मैं QE लिख सकता हूं इसको। अब ये दोनों जो फोर्सेस हैं इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये क्या बन गया, कपल, कपल बन गया। मुझे टॉर्क निकालनी है इसकी वजह से, सो आई विल कैलकुलेट टॉर्क ड्यू टू कपल। सो व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला हम क्या बोलेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब फोर्स तो हमें पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो मैंने जैसे पीछे अभी करके बताया था तुम्हें, इसको हम डी ले लेते हैं एक बार, ठीक है। आप ट्रायंगल का नाम भी ले सकते हैं लाइक ए बी ये सी, ठीक है। नाउ दिस एंगल इज थीटा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, दिस इज डायपोल मोमेंट, याद है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब क्या करना है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर से मैं बता रहा हूं, साइन थीटा। अब ऐसा है जब आप डेरिवेशन लिखते हैं तो उस समय आपको मेंशन करना है, यहां तो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, तो आप पहले मेंशन करोगे कि डायपोल इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देन ए पर नेगेटिव चार्ज है, बी पर पॉजिटिव चार्ज है, देन डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा आपका, ठीक है, बुक में दिया भी होता है तुम लोगों को। एंड देन फिर उसके बाद आप लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा इज इक्वल टू बीसी अपॉन एबी, एंड व्हाट इज बीसी, डी, एंड एबी इज व्हाट, 12, तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ गई, 12 साइन थीटा, ठीक है। तो आप इसके बाद भी कर सकते हो, इसके बाद ये लिख लें, इसको फर्स्ट ले लेना। देन अब फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स हमारे पास वैल्यू क्या है, क्यूई, राइट। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकाला हमने, दैट इज इक्वल टू 12 साइन थीटा। नाउ अगर हम वैल्यू डाल दें इसमें तो क्या बनेगा, QE into 12 sin theta। अब देखो Q into 12 क्या था, डायपोल मोमेंट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, PE sin theta। टॉर्क इज इक्वल टू PE sin theta, याद होगा आपको, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, सो दैट इज योर रिजल्ट, टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट में आपने एक बात और इंपॉर्टेंट सीखी थी, क्या सीखी थी, कि जो ये टॉर्क आएगा, दिस टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है मेडिकल का, खासकर जिसमें पूछा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी आता है, इट्स नॉट अबाउट टॉर्क ओनली, आपको कहीं भी किसी भी साइंस में जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आए वहां ये अप्लाई हो सकता है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो एक बात आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, स्टूडेंट्स अगर किसी को क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट नहीं आता तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट पढ़ो, कैसे निकालते हैं वो पढ़ो, एंड देन फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है, ताकि वो प्लस वन में पढ़ा आपने। तो टॉर्क डॉट पी इज इक्वल टू टॉर्क डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, टॉर्क डॉट पी एंड टॉर्क डॉट ई दैट विल बी इक्वल टू जीरो। सो अब इस क्वेश्चन में पहला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे कि टॉर्क जो है यहां पर, टॉर्क की वैल्यू क्या थी, पीई साइन थीटा, टॉर्क जीरो कब होगी, टॉर्क जीरो कब होगी, तुमको सोचो, थीटा की वैल्यू जब जीरो डिग्री एंड थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री, कहने का मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल ऐसे है, ये डायपोल मोमेंट हुआ, ये थीटा जीरो डिग्री वाली पोजीशन होगी, यहां टॉर्क जीरो होगी। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव, डायपोल मोमेंट अब अपोजिट हो गई, तो साइन 180 भी जीरो होगा। देन सेकेंड पॉइंट, टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, ऑब्वियसली बात है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, देखो ना अगर ये सीधा होगा तो टॉर्क कहां से प्रोड्यूस होगी, लेकिन अगर ये ऐसे हो तो तुम्हें पता है इस पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सबसे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगी, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 है, तो थीटा इज इक्वल टू, तो टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, ये, और थीटा की वैल्यू क्या होगी उस केस में, 90 डिग्री, सो थीटा 90 डिग्री पर टॉर्क मैक्सिमम होगी, ये आपने याद रखना है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन जो कि यूज होता है
मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, सभी जगह आया हुआ है, इवन आपके बोर्ड में भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट कैन यू से अबाउट टॉर्क एंड फोर्स। तो यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं बता दूं फोर्स, नेट फोर्स इज जीरो, बट नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेट फोर्स तो जीरो होगी कपल की वजह से, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, बट नेट टॉर्क जो है वो जीरो नहीं होगी, सिर्फ उन पॉइंट पे होगी जीरो। ये ध्यान रखना, कई बार इसी पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिज्म में भी यूज होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो नॉन यूनिफॉर्म अगर होगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कुछ है और यहां पर कुछ है। अब तुम खुद बताओ, यहां कुछ है इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग अलग है वैल्यूज, तो ऑब्वियसली फोर्स की भी कुछ वैल्यू आएगी। तो इन दैट केस इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, देन नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड नेट टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस में दोनों चीजें आएंगी। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैग्नेटिज्म में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक जो हमारा है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब अगर हम इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दैट यू नीड टू कैलकुलेट। पर उससे पहले हम समझते हैं, अगर सपोज करो डायपोल को ऐसा रखा गया तो ऑब्वियसली बात है ये अपने आप घूमने की कोशिश करेगा, क्योंकि फोर्सेस लग रही है यहां पर, ये फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है, तो ये घूम सकता है। तो अगर सपोज करो ये एंगल थीटा टर्न करता है, सपोज करें, पर जैसे वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कब, जब हम लीनियर लेते हैं। तो अगर ये रोटेशनल है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू स्मॉल डी थीटा, यानी उस फोर्स ने कितना एंगल इसको टर्न किया, डी थीटा, टॉर्क इनटू डी थीटा। नाउ स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था अभी पीछे किया था, आर्टिकल पीई साइन थीटा इनटू डी थीटा, ये हो गया स्मॉल वर्क डन। नाउ इंटीग्रेशन, क्योंकि मैं अब क्या निकालना चाहता हूं, मैं पहले निकालना चाहता हूं कि अगर मान लो इसको मुझे थीटा वन से थीटा टू तक अगर लेके जाना है, मान लो ये किसी एंगल थीटा वन पर है और मैं उसको थीटा टू तक लेके जाता हूं, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा वो निकालना है। तो जनरल मतलब जनरल हम कैलकुलेशन करने हैं थीटा वन से थीटा टू, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, तो मैं यहां से पीई कॉमन निकाल लूंगा, साइन थीटा की इंटीग्रेशन, जैसे साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या थी, कॉस थीटा, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या थी, माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस थीटा, करेक्ट, उल्टा था ना, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा है और कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा है, इसी तरह से कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा है, तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस थीटा। तो यहां से अगर हम देखें तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या आई, माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, जो लिमिट्स दी हमने, यहां से आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चाहो तो माइनस कॉमन निकाल लो और कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन लिख लो, या फिर बेटर रहेगा क्योंकि नॉर्मली क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का कॉन्सेप्ट रहता है, तो इसलिए माइनस ही रखो तो ज्यादा अच्छा है, कहीं भूल ना जाओ इनिशियल माइनस फाइनल, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप उसी को रखो, माइनस बाहर रहने दो, माइनस से ही ध्यान रखना, तो जो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, करेक्ट। देखो स्टूडेंट, अब पॉइंट एक आता है कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, किसी समय पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है डायपोल की। तो पुट थीटा वन, इनिशियल पोजीशन लेंगे 90 डिग्री और थीटा टू को थीटा डाल दो, इसका रीजन बताऊंगा मैं ऐसा मैंने क्यों किया। तो थीटा वन को 90, अब हम क्या लिखेंगे, हम कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी ना, तो थीटा वन को 90, थीटा टू को थीटा डाल दिया हमने, तो वर्क डन किसके इक्वल आया, देखो माइनस पीई कॉस थीटा माइनस जीरो, क्योंकि थीटा वन तो 90 है, तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, माइनस पीई
cos theta and with this work done is stored as potential energy, इसको हम potential energy बोल सकते हैं, तो minus P vector dot E vector, dot product आ गया ना, dot product वापस, तो ये हमारा potential energy का formula आ गया, simple formula, और अब point ये था कि मैंने यहाँ 90 क्यों लिया, ये theta क्यों लिया, this is important point, normally books में नहीं दिया होता, कि हमने reference ले लिया, ज़्यादातर बोलते हैं कि theta 1 is equal to 90 degree को हमने एक reference point ले लिया, बट स्टूडेंट एक बात समझो, अगर मान लो ये यहां पर रखता हूं मैं, वैसे इसको पोटेंशियल में भी पढ़ोगे आप, ग्रेविटेशन में तुमने पोटेंशियल पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू डेड पॉइंट, करेक्ट। अब जरा ध्यान से सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, मुझे अगर वर्क डन करना पड़े इंफिनिटी से इसको यहां लाने में और नेगेटिव को भी इंफिनिटी से यहां लाने में, तो दोनों में बराबर वर्क डन करना पड़ेगा, एक में पॉजिटिव हो जाएगा एक में नेगेटिव हो जाएगा, तो नेटवर्क डन कितना होगा, जीरो। तो इस पॉइंट को रेफरेंस के लिए हम जीरो मान लेते हैं, बट अगर सपोज करो ये और ये होता तो क्या करते, तो तुम कुछ सोचो, ये डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस आ जाता ना इन दोनों के बीच में, तो यहां वर्क डन अलग करना पड़ता, यहां अलग करना पड़ता, तो नेटवर्क डन जीरो, नेट पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो लेना मुश्किल था। ऑल्दो आपकी मर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो एक वेग कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कहीं पर भी हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं करती, पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, करेक्ट। बट फिर भी आपको मैंने एक सिंपल सी बात समझाई है कि इस पोजीशन को हमने क्यों लिया है, रेफरेंस क्यों लिया है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो वाली कंडीशन है, करेक्ट। तो अब यहां से याद रहेगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी, और वर्क डन अगर निकालना है थीटा वन, इस कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हो कि सपोज करो तुमसे बोला जाए कि वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सपोज करो ये क्वेश्चन आ जाए आपका, इधर तो उसको डायरेक्टली यूज कर लो या यहां से भी यूज कर सकते हो, कैसे, पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस पीई कॉस जीरो डिग्री, थीटा 60 पर क्या होगी, थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 60 डिग्री। अब व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, माइनस पीई कॉस 60 डिग्री 1 बाय 2 यानी माइनस पीई बाय 2 माइनस पीई कॉस 0 कॉस 0 1 माइनस माइनस पीई माइनस पीई, तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, एड करके आ जाएगा PE divided by 2, that is your answer, that is the work done. तो आपकी मर्जी है, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी, बट अब आगे से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कि अगर डायपोल एंगल थीटा पर है तो हमने ये यूज करना है। अब एक बात और है स्टूडेंट, इसमें अगर मान लो इसमें कंडीशंस हैं, मैं अभी ड्रॉ करता हूं फिर पता लगेगा, तो स्टूडेंट ये देखो, अब तीन डायग्राम्स हैं हमारे पास, सबसे पहला जो डायग्राम है उसमें डायपोल देखो स्ट्रेट है, थीटा की वैल्यू जीरो, डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, थीटा जीरो डिग्री है, हमारा क्या फॉर्मूला था, पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला था माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर या फिर माइनस पी ई कॉस थीटा था। अगर मैं थीटा को जीरो डालूं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, माइनस पी ई, इस केस में अगर थीटा की वैल्यू डालेंगे 180 डिग्री तो ये पी ई आएगा, यहां थीटा की डालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगी। तो अगर आप देखो तो ये है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है ये, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता रहा है, आपके बोर्ड में भी आ सकता है, जेई मेन नीट बहुत बार पूछा गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और मैग्नेटिज्म में भी पूछ सकते हैं इसको, तो समझ लो इसको ध्यान से। थीटा जीरो डिग्री जब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हो, ये भी कह सकते हैं पैरेलल हैं दोनों, तो थीटा की वैल्यू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जब मिनिमम होती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। आपको पता है कोई चीज स्टेबल कब होती है, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, करेक्ट। तो इसका मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई आपके पास, देन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में देखो नेगेटिव इधर पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी PE, यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम, राइट, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस इज व्हाट, अनस्टेबल पोजीशन, ये बड़ी अनस्टेबल पोजीशन है ना।
जैसे आजकल आप लोग किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल में? आप कई सोच रहे होंगे स्टेबल में कि भाई बड़ी मिनिमम पोटेंशियल रहनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो बड़े अनस्टेबल हो रहे होंगे कि एक बार पता तो लगे कि लॉकडाउन खत्म होने वाला है, फिर तो भागना इधर उधर, पार्टी ये वो, है ना? सो बहुत सारे प्लान बना रखे होंगे, सो दे आर, मेरे हिसाब से यू आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो अब ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है इसलिए ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देन कम्स न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में अगर आप देखो तो ये एंगल 90 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सो दिस कोरेस्पोंड्स टू न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये आपने ध्यान रखना है। अब आपने इसके अपनी बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं सारे जितने हो सके, प्लस आपको जो सॉफ्टवेयर दिया गया है सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्विज दी गई है, तो आप उसको सॉल्व करें साथ साथ। फिर भी कोई क्वेश्चन जो नहीं पता लगता या कॉन्सेप्ट नहीं आपको समझ आ रहा है तो वो आप भेज सकते हैं। ओके okay.